हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगा चाचोल कॉलेज में किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, न्यू एडमिशन फ्रेंड फर्स्ट सेमेस्टर किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं जैसा करूँ आपको भी ऐसा ही करना है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जनरल एंड ऑनर्स दोनों में दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले चाचोल कॉलेज वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगी आपको, यहाँ पर देखिए यूजी एडमिशन 22-23, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर सॉरी ऑनलाइन पर क्लिक, अप्लाई टू ऑनलाइन पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो आपका मार्कशीट में नंबर है वो यहाँ पर फिर पूरा डालना होगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फुल नेम, जो नेम है नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, एचएस का रोल नंबर, बोर्ड एचएस का बोर्ड, उसके बाद मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर डाल दीजिए। सो मैं सब कुछ डाल के मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस देखा देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपका यहाँ पर जो भी, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सब कुछ मैं यहाँ पर जो मार्कशीट में है वो मैं डाल दिया। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको फिलअप करना होगा फ्रेंड, ठीक है। मैं ऑलरेडी डाल दिया नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से चेक कर लीजिए, फिर से दोबारा से चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नाम से जानना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल दिया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी फिर से चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे प्रोसेस दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या करना है। यहाँ पर देखिए वीडियो के अंत देखिए, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर आर्ट्स 2022 फीमेल, ठीक है। सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, सब कुछ ठीक है। तो सेव पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर इस तरह से आपको पेज आ जाएगी। यहाँ पर देखिए योर एप्लीकेशन आईडी, उसके बाद सीसी नंबर आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको ध्यान से रखना होगा, इसको योर पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पर देख लीजिए, पासवर्ड आपको ध्यान से यहाँ पर देख लें। पासवर्ड होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद क्लिक कीजिए, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए फिर, ठीक है। जो आईडी आपने यहाँ पर कॉपी किया था वो यहाँ पर डाल दीजिए सीसी नंबर को, उसके बाद यहाँ पर जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया था उसको डाल दीजिए, उसके बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए फिर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए सब कुछ डाल दिया, उसके बाद इस तरह से पेज आ चुका है आपको, ठीक है। इसको फिर से पूरे को पूरे चीज़ को आपको भरना होगा, नेम जो भी है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, गार्जियन मोबाइल नंबर, आपको ब्लड ग्रुप, जो भी यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर मांग रहा है यहाँ पर डाल दीजिए फिर, ठीक है। मैंने यहाँ पर बॉक्स पर पूरे को पूरा फिल करना होगा, एड्रेस पूरे एड्रेस को डालना होगा फिर, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाल के आपको दिखाया था क्या क्या डालना होगा फिर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप, उसके आधार नंबर, ठीक है, आपका जैसे कि आपका फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ आप डाल दीजिए फिर, ठीक है। उसके बाद एग्री पर सबमिट से ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए फिर, मैंने ऑलरेडी डाल दिया, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम 4 कोर्स मिनिमम डालना होगा फिर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग सब्जेक्ट चॉइस कर लीजिए, ऑनर्स लेना चाहते हो ऑनर्स पर क्लिक कीजिए, आर्ट्स ऑनर्स मैं यहाँ पर चॉइस कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑनर्स से क्या आपको सब्जेक्ट चॉइस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स रहेगी, उसके बाद आपको और दो सब्जेक्ट लेना होगा। तो मैं दो और सब्जेक्ट में चॉइस कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं जैसा कर रहा हूँ आपको भी ऐसा ही करना होगा फिर, ठीक है। ध्यान से देखिए आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, आप यहाँ पर खुद चॉइस कीजिए फिर, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर चॉइस कर लिया ऑनर्स को चॉइस कर लिया, उसके बाद जनरल को दोनों चॉइस किया फिर, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना होगा, यहाँ पर देखिए फोटो, योर फोटो अपलोड करना होगा, योर सिग्नेचर, योर मार्कशीट, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है वो डालना होगा। उसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद पिन ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पूरे को पूरा करके दिखा देता हूँ, मैं अपलोड ऑप्शन ऑलरेडी मैं यहाँ पर देखिए स्क्रीन करके रखा हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपलोड कर लिया, उसका व्यू पिन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद रिफ्रेश ऑप्शन में डाल दीजिए, हाँ हो जाएगी। इस तरह से आपको पीडीएफ आ जाएगी फिर, ठीक है। पीडीएफ आने के बाद आपको इसको कस्टमर डाल दीजिए, पिन करके दे दीजिए फिर, इस तरह से आपको करना है फिर, ठीक है। अब आसानी तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो गया फिर, ठीक है। जब आएगी मेरिट लिस्ट, ठीक है, उसको आपका पेमेंट काटना होगा फ्रेंड, ठीक है। कितना सर आप पेमेंट करना होगा काटोगे, तो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड, ठीक है, कितना आपको रुपीज पैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप कर लीजिए अभी फिलहाल के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एडमिशन। थैंक यू फ्रेंड।